Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel, Mom's Kitchen. आज मैं बना रही हूँ केक अपने बेटे के लिए. मेरा बेटा माशाल्लाह 1.5 साल का हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं उसके केक बनाती हूँ. यहाँ पर मैंने 4 eggs लिए हैं और इसमें मैंने 3/4 cup sugar डाली है. अब मैं अपने ये जो हैंड ब्लेंडर है इससे अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड अपने हैंड ब्लेंडर से इसको मैं बीट कर लूँगी. शुगर एंड एग्स 3 to 4 minutes के लिए मैंने इसको बीट किया शुगर एंड एग्स का. अब मैं इसको साइड पर रख दूँगी. अब मैं लूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स लूँगी, जिसमें प्लेन फ्लावर होगा 1 cup और 1/2 cup मैं लूँगी कॉर्नफ्लावर. 1/2 cup ऑयल डाल गया मैंने इसके अंदर और 1/2 tablespoon मैंने डाला है वनीला एक्सट्रैक्ट और बीट कर लिया. काफ़ी देखें डबल द साइज हो गया. अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी सर्व करके. मैं प्लेन फ्लावर लूँगी 1 cup. 1 cup मैं प्लेन फ्लावर लूँगी और 1/2 cup मैं लूँगी कॉर्नफ्लावर. 1/2 cup मैं लिए कॉर्नफ्लावर. 1 tablespoon मैंने डाला इसमें बेकिंग पाउडर. जेंटली फोल्ड कर लिया मैंने इसको, ऐसे घुमाया और डांस कट कर दिया. फोल्ड एंड कट, फोल्ड एंड कट. मैंने बटर पैक कर दिया अपने केक टिन में और ये पार्चमेंट पेपर लगा दिया, जिसे बटर पेपर भी कहते हैं, और उसके ऊपर मैंने बटर पैक कर दिया. अभी जो मिक्सचर है केक का, ये मैं इसके अंदर अब पोर कर दूंगी. आपने इसको टैप कर लेना है ताकि एयर बबल्स इसके जो है वो निकल जाएं. ये मैं अपने कैन ओपनर से अपने पाइन एप्पल खोल रही हूँ और जो सिरप है मैं अप्लाई करूँगी अपने केक पे. इस ब्रश की मदद से मैं पाइन एप्पल जूस अप्लाई करूँगी पूरे केक पे. मैं इसमें 1 teaspoon डाला वनीला एक्सट्रैक्ट. मैं ये वाली क्रीम यूज़ करूँगी 600 ml. 4 to 5 minutes के लिए मैंने इसको बीट किया हैंड ब्लेंडर से अपने, और ये देखें इस तरह हो गई है और ऐसे होनी चाहिए कि आप इसका नीचे के रहते घेरे ना. तो मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में मज़ीद और अपने केक की तरफ चलते हैं. चम्मच की मदद से मैंने क्रीम अप्लाई कर लिया सारी. हम इसके ऊपर डालेंगी स्ट्रॉबेरीज एंड पाइन एप्पल. स्ट्रॉबेरीज एंड पाइन एप्पल मैंने स्प्रेड कर दिए हैं. अब मैं इस केक की दूसरी लेयर लेके आती हूँ. यहाँ पर मैंने पाइन एप्पल जूस स्प्रेड कर दिया ब्रश की मदद से. अब मैं क्रीम अप्लाई करूँगी इसके ऊपर. फूड कलर डाल दूँगी इस क्रीम में मैं, और फिर इसको हल्का सा बीट कर लूँगी मैं. फूल से बना लें, इस टाइम मैं बना रही हूँ. जैसे आपको पसंद है डिज़ाइन आप वैसे बना सकते हैं. कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप बना बना के सीखते हैं. ये देख रहे हैं, अब मैं इसको फुल केक को कवर करूँगी ब्लू से, जैसे मैं कर रही हूँ. आप भी ऐसे कीजिएगा. और नोज़ल मेरे पास बहुत सारी, वो भी मैं आपको एंड में दिखा दूंगी मैंने कौन सी इस्तेमाल की है. देखिए जैसे आप, ये देखिए मैंने फुल कवर कर लिया है. जो है जिससे बचे हैं आप इसमें थोड़ा छोटा सा फूल बना सकते हैं. ट्रक करती हूँ ताकि एरिया कवर हो जाए. आप इसमें डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं. मैंने भी ब्लू किया क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए बनाया. ये केक का फाइनल वर्क है. आई होप जो मैंने बनाया आपको अच्छा लगा होगा. और प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा केक कैसा लगा. और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर.